नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बुधवार को लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला सुसाइड और जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी मामले पर विपक्ष का आक्रामक जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पूरे भाषण को सत्यमेव जयते लिखकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उनके भाषण के वीडियो का लिंक भी दिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज मोदी सरकार का दूसरा रेल बजट पेश करेंगे। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में रेल में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त आर्म्स एक्ट मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद गुरुवार को पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए हैं। वो मुंबई सीरियल धमाकों में अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे। फिल्मों में सबका दिल जीतने वाले मुन्ना भाई ने अपनी नेक दिली से जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था का भी दिल जीता है, लिहाजा अदालत उन्हें सजा की मियाद से 8 महीने पहले ही रिहा कर रही है। जेल से वो सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर देश के मुसलमानों को संदेह से देखने वाली और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ पेश करने वाली ताकतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत कश्मीर को साथ नहीं रख पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस से देशद्रोहियों पर रुख साफ करने के लिए कहा। शाह ने बहराइच और बलरामपुर में आयोजित जनसभाओं में कहा, आज संसद में चर्चा हो रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारों को सहन किया जाए या नहीं। मैं खासकर कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कि नारे लगाते हैं, वे देशद्रोही नहीं है। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले सप्ताह एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कॉल करके मुंबई पुलिस को सलमान खान को मारने की धमकी दी है। मुंबई पुलिस इन दिनों वो अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ये फोन कॉल 16 फरवरी को शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया था। पुलिस को संदेह है कि ये एक फेक कॉल था और अभी तक इस मामले के बारे में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 3 छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। संसद में भी इस मुद्दे पर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक विवादित बयान दिया है। एक इंटरव्यू में चिदंबरम ने कहा, मुझे लगता है कि अफजल की फांसी पर फैसला ठीक से नहीं हुआ। संसद पर हमले में उसकी भूमिका पर संशय है। संसद हमले के आरोपी को यूपीए के कार्यकाल में 3 साल पहले फांसी दे दी गई थी। उधर दिल्ली में गुरुवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना दूसरा रेल बजट पेश करेंगे और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बीच अपने 5 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंच जाएंगे। केजरीवाल के दौरे का मकसद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें मौसमी पक्षी बताते हुए उन पर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली और आखिरी पार्टी है। उनके द्वारा बिहार के पार्टी नेताओं द्वारा पार्टी मसलों की आलोचना करने के चलते पार्टी छोड़ने की सलाह देने हेतु निशाने पर लिया। इस मामले में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके दल में बहुत सम्मान है। उनका कहना था कि जो लोग बिहार की हार के लिए जिम्मेदार हैं वे ही उनकी निंदा कर रहे हैं और अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे लोग पार्टी छोड़ने की सलाह भी दे दिया करते हैं। ऐसे लोग पार्टी से स्वयं ही बाहर जाने की तैयारी में हैं। इस तरह के नेताओं को स्वयं की साख संभालना चाहिए। बीते हफ्ते से हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन के दौरान मुरथल हाईवे पर कथित रूप से कई महिलाओं के साथ बलात्कार की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे 1 पर सोमवार की सुबह कुछ वाहनों को रोककर उसमें सवार महिलाओं के साथ खेतों में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अखबार में छपी खबर का संज्ञान लिया, जिस पर आज सुनवाई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।